शहडोल जिले में लगातार सरकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा जल संरक्षण की पहल की जा रही है और जल संरक्षण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस दावे को शहडोल जिले के जय सिंह नगर के कतीरा गांव में सड़क किनारे लगा हैंडपंप चढ़ा रहा है। 30 साल पहले यहां नलकूप लगाया गया है, उसके बाद से लगातार पानी निकल रहा है। इस पानी को रोकने या संरक्षित करने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। यहां से इतना पानी बह रहा है कि आसपास कोई बांध बन जाए तो हमेशा पानी से भरा रहेगा, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते 3 साल से लगातार पानी बह रहा है। यानी 3 साल से बह रहा पानी बता रहा है जल संरक्षण की असली कहानी। इसको लेकर गाँव के कई सरपंचों ने कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। हजारों लीटर पानी रोज फालतू बह रहा है, इसका कोई उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। यदि इस पानी को रोक कर सही दिशा दे दी जाए तो उपयोगी हो सकता है। ग्राम पंचायत कतीरा के ग्राम कुशवाह के सिद्ध बाबा आश्रम चुंदी नदी के ऊपर शहडोल रीवा स्टेट हाईवे 9 में रोड के किनारे हैंडपंप लगाया गया है, उसके बाद 3 साल से पानी अनवरत बह रहा है। पानी को रोकने या संरक्षित करने के लिए कोई भी योजना अभी तक नहीं बनाई गई, जबकि कई बार सरपंचों व जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को अवगत कराया है। फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश चतुर्वेदी द्वारा कई बार इस मुद्दे को उठाया गया। पूर्व में जब राजेंद्र शुक्ला जिले के प्रभारी मंत्री थे तब उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को पानी को संरक्षित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं की गई है। दुर्भाग्य है कि जल संरक्षण की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, परंतु अनवरत बहने वाले पानी पर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि हाईवे से लगी हुई सड़क के किनारे ही हैंडपंप लगा है और पानी बह रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच रोहिणी प्रसाद कोल ने भी प्रयास किया था, पूर्व मुख्यमंत्री को मिलकर पत्र दिया था, परंतु आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। सरपंच ने कहा कि विडंबना है कि जल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जहां जरूरी वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल संरक्षण के संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व होता है कि इस जल संरक्षण को हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मंशानुसार कहीं संरक्षित किया जाए। इतना सुंदर पानी बह रहा है, इसके लिए मैं माननीय जिला प्रशासन से चाहूँगा कि इसको संरक्षित करें।